दोस्तों मेरी एक फ्रेंड है, उसने अपना सुपर प्लान मेरे साथ डिस्कस किया कि वो कैसे अपना वेट लूज करने वाली है। उस प्लान को सुनने के बाद मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं एक वीडियो बनाऊं ग्रीन टी के ऊपर। उसका जो प्लान था वो था 6 to 7 कप्स ऑफ ग्रीन टी एवरी डे। उसको ऐसा लगता था कि मैं ग्रीन टी अगर डेली डाइट में बढ़ाती जाऊंगी तो मेरा वेट जल्दी 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 निकल जाएगा। यही मिथ बहुत सारे लोगों को मिसलीड करता है। हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम जितनी ज़्यादा ग्रीन टी पियेंगे उतना जल्दी हमारा वेट लूज होगा, क्योंकि ग्रीन टी के फ़ायदे इतने सारे हैं दोस्तों कि हम सबको ऐसा लगता है कि ग्रीन टी हमारी डेली डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। दोस्तों ग्रीन टी एक ऐसी चीज़ है जो अगर लिमिटेड अमाउंट में ली जाए तो इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, बट अगर इसका इंटेक बढ़ जाता है तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं दीज आर रियली स्केरी। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्रीन टी एग्जैक्टली है क्या, किन लोगों को पीनी चाहिए, कितना अमाउंट पीना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हाय, माय नेम इज श्रृंखला शर्मा एंड वेलकम टू 3D हेल्थ। ऑफकोर्स इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो कि हमें मोटिवेट करते हैं इसको अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करने के लिए। सो फ्रेंड्स, जानते हैं वन बाय वन। ग्रीन टी इज लोडेड विद पॉलीफिनॉल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक EGCG. EGCG अगर हम लोगों ने सुना है तो EGCG एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होता है। यही रीजन है कि ग्रीन टी में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती है। इट में इम्प्रूव ब्रेन फंक्शनिंग, यानी कि ब्रेन की जो फंक्शनिंग है उसको ये बूस्ट करती है क्योंकि हमें अलर्ट करती है। जैसा कि हम सबको पता है कि कैफीन एक बहुत अच्छा स्टिमुलेंट है, सो ये स्टिमुलेट करता है हमारे ब्रेन को एंड अलर्ट करता है। इट बूस्ट द प्रोसेस ऑफ फैट बर्निंग, हमारी बॉडी में फैट बर्न होने का जो प्रोसेस होता है उसको ये पुश करती है, बूस्ट करती है। रिजल्ट हमारी बॉडी से बहुत जल्दी जल्दी फैट बर्न होने लगता है। इट प्रोटेक्ट आवर ब्रेन फ्रॉम एजिंग, ग्रीन टी में जो बायो एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को बूस्ट करते हैं एंड ब्रेन को एजिंग से प्रोटेक्ट करते हैं। यही रीज़न है कि ब्रेन रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स अगर हम ग्रीन टी पी रहे हैं तो उसको हम बहुत इजीली अवॉइड कर पाते हैं। इट्स गुड फॉर ओरल हेल्थ ऑल्सो, क्योंकि ग्रीन टी में कैटेचिन नाम का कंपाउंड होता है जो कि हमारे मुँह के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करता है एंड इन रिजल्ट हम बैड ब्रेथ को कंट्रोल कर पाते हैं। मे हेल्प प्रिवेंट टाइप 2 डायबिटीज़, क्योंकि कई सारी रिसर्चेज ये शो करती हैं कि अगर हम ग्रीन टी डेली बेसिस पे ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने ब्लड शुगर लेवल को एक सर्टेन अमाउंट तक रिड्यूस कर सकते हैं। इट प्रिवेंट कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, क्योंकि कई सारी स्टडीज़ ये शो करती हैं कि अगर हम डेली बेसिस पे ग्रीन टी ले रहे हैं तो हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। इन होल ये टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं, स्पेशली ये हिट करती हैं LDL को। वेरी हेल्पफुल इन लूजिंग वेट्स, ये हम सबको पता है कि ग्रीन टी वेट लूज करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। इसका रीज़न ये है कि हमारी मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करती है, हमारे फैट को बर्न करती है, सो इन रिजल्ट बहुत जल्दी हमारा वेट भी लूज होता है एंड फैट भी बर्न हो जाता है। प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट कैंसर, बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट ग्रीन टी काम कर रही होती है एंड हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम कैंसर। सो कैंसर के केस में भी ग्रीन टी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक ग्रीन टी इन होल हमारे लाइफ स्पैन को बढ़ा रही होती है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों से हमें छुटकारा दिला रही होती है। एक तरफ जहाँ ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, कैंसर एंड टाइप 2 डायबिटीज़ के रिस्क को कम करती है, वहीं दूसरी तरफ हमारी बॉडी का फैट कम करती है, वेट कम करती है, इसके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाती है, हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग को बूस्ट करती है। तो इन होल अगर देखा जाए तो ये हमारे लाइफ स्पैन को बढ़ा रही है। ग्रीन टी के इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, स्टिल कई बार हम उसके बेनिफिट के बजाय उसके साइड इफ़ेक्ट्स को कैच कर लेते हैं। रीज़न या तो हमारी टाइमिंग गलत है ग्रीन टी की, या फिर हमारा प्रिपरेशन का मेथड गलत है, या फिर मे बी हम क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं। अगर बात करें क्वांटिटी की तो अप टू 3 कप्स आप ले सकते हैं, बट मोर देन दैट इट कैन बी वेरी वेरी हार्मफुल। मैक्स आप 4 कप्स ले सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगी आप 4 भी ना लें, आप सेफर साइड 2 कप्स लें डेली, क्योंकि हम जो डेली बेसिस पर ग्रीन टी ले रहे होते हैं उसके 1 कप से हमें मिलता है अराउंड 20 to 45 mg तक कैफीन। सो ये जो कैफीन का अमाउंट है जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे।
अब बात करते हैं राइट टाइम की। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि या तो इसको खाना खाने के बाद पीते हैं या फिर रात को सोने से पहले पीते हैं। ये दोनों ही टाइमिंग गलत है। इसका जो सही टाइम है वो है मॉर्निंग में। आप जब भी ग्रीन टी लें मॉर्निंग में लें, बट मॉर्निंग में लेने का मतलब ये नहीं है कि सुबह उठते ही सबसे पहले ग्रीन टी ले लेनी है। वो भी हमें खाली पेट नहीं लेनी है। यानी कि सुबह उठने के बाद यूजुअली हम जो अपना पानी पीते हैं, हम पानी पिए, उसके बाद अगर आप चाहें तो एक फ्रूट भी ले सकते हैं, उसके बाद आप ग्रीन टी लें। यानी कि आपको ग्रीन टी खाली पेट नहीं लेनी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाना खाने के बाद ग्रीन टी लेंगे। सो जो बेस्ट टाइम है वो या तो मॉर्निंग में है या फिर अपने वर्कआउट से आप पहले ले सकते हैं ग्रीन टी, क्योंकि वर्कआउट से पहले लेंगे तो ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को कर देगी बूस्ट, एंड इस तरह से हम वर्कआउट के जरिए ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर पाएंगे। कुछ बातें हमें अपने ध्यान में रखनी है अगर हम रेगुलर बेसिस पे ग्रीन टी ले रहे हैं। सो पहली बात तो ये है कि आप लेट इवनिंग में या फिर लेट इवनिंग के बाद ग्रीन टी बिल्कुल ना पिएं, क्योंकि ये आपके स्लीप को डिस्टर्ब करने वाली है। दूसरा, आप जो टी बैग यूज़ करते हैं उसे रीयूज़ ना करें। आपने जो टी बैग एक बार यूज़ कर लिया उसको फेंक दीजिए, क्योंकि जो टी बैग आप यूज़ करके रख लेते हैं उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, एंड उसके बाद अगर आप उसे यूज़ करते हैं तो बजाय बेनिफिट के आपको काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स मिल सकते हैं। थर्ड एंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये एक डायोरेटिक की तरह भी काम करती है। ग्रीन टी जब हम पी रहे होते हैं तो ये हमारे यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है। सो इस केस में हमें क्या करना है, अपना वाटर इनटेक बढ़ा देना है, अदरवाइज हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकता है। क्योंकि आयुर्वेदा कंसल्टेंट्स का कहना है कि ग्रीन टी एज ए मेडिसिन यूज़ की जानी चाहिए, यानी कि हाफ कप इनफ होता है अगर आप ले रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग उसको लेने का जो रीज़न है, अगर आपको कोल्ड है, आपको कफ है या फिर आपका मोटापा बढ़ा हुआ है, उन केसेस में आप ग्रीन टी ले सकते हैं, बट इसको डेली बेसिस पे ना लें। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर ग्रीन टी एक्सेस अमाउंट में ली जाए, अगर इसका इंटेक बढ़ जाए तो क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं हमारी बॉडी। सो पहला साइड इफ़ेक्ट जो है वो हमारी स्लीप से रिलेटेड है। यानी कि अगर हम ज़्यादा ग्रीन टी पियेंगे तो हमारे स्लीप का जो पैटर्न है, जो हमारी स्लीप का साइकिल है, वो ब्रेक होगा, वो डिस्टर्ब होगा, हम प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाएंगे। दूसरा जो साइड इफ़ेक्ट है कि हमारी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि ग्रीन टी का जो कंपाउंड होता है टैनिन एंड कैफीन, ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को हिंडर करते हैं, एंड इस तरीके से हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो सकती है। तीसरा साइड इफ़ेक्ट जो कि बहुत ऑब्वियस है, अगर हम ज़्यादा ग्रीन टी पियेंगे तो ऑफकोर्स हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होने वाली है, जो अगेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फोर्थ इज एपेटाइट, यानी कि अगर हम ज़्यादा ग्रीन टी लेंगे तो हमारी भूख कम हो जाएगी, हम कम खाना खाएंगे, एंड इन रिजल्ट बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होगी, हमारी बॉडी वीक हो जाएगी। जैसा कि हम सबको पता है कि ग्रीन टी डायुरेटिक की तरह काम करती है, तो ये ब्लड थिनर का रोल भी प्ले करेगी। इट कैन कॉज इरेगुलर हार्ट बीट, कई बार हमें हार्ट बर्न की प्रॉब्लम भी होती है, डिजीनेस की प्रॉब्लम होती है, कई बार इतनी घबराहट होती है कि हमें समझ में नहीं आता हमें करना क्या है। सो कुछ ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो सबसे पहले आप चेक करिए कि आप कितनी ग्रीन टी ले रहे हैं डेली बेसिस पे। कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि अगर हम ज़्यादा ग्रीन टी ले रहे हैं तो ये प्रमोट करती है कॉन्स्टिपेशन को। सो जिन लोगों को ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन है वो लोग प्लीज़ ग्रीन टी ज़्यादा न लें। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो, अगर लगी है तो इसे लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। सो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।